कोरोना की दूसरी लहर का कहर ऐसा है कि कई राज्यों में जो पीक टाइम पहली बार लहर में दिखाई दिया था वो टक्करोस हो गया। ऐसे में चिंताएं बढ़ी तो प्रधानमंत्री ने फिर से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन करना जरूरी समझा। पीएम ने राज्यों को 3T पर जोर देने को कहा है। ये 3T क्या है ये आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। लापरवाही बढ़ी तो कोरोना की रफ्तार भी बढ़ी। आलम यह हुआ, 2020 का वक्त धीरे धीरे लौटने लगा। लॉकडाउन का समय आंशिक तौर पर लौटा तो नाइट कर्फ्यू का भी दूसरी लहर का कहर बढ़ा तो फिर देश के प्रधान सेवक ने राज्यों के मुखियों के साथ मंथन किया। कई घंटों के विचार विमर्श और राज्यों की स्थिति समझने के बाद पीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की ज्यादा जरूरत है। राज्यों को टेस्टिंग रेट बढ़ाने की जरूरत है। पिछली बार कोविड का आंकड़ा 10 लाख एक्टिव केसेस से 1.25 लाख तक नीचे लाकर दिखा दिया था। ये जिस रणनीति पर चलते हुए संभव हुआ वो आज भी उतने ही सटीक है। और मजा देखिए, उस समय सफलता हम ही लोगों ने पाई थी, तब संसाधन भी कम थे। आज तो संसाधन ज्यादा है और अनुभव भी ज्यादा है, और इसलिए हम इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं, पीक को ऊपर जाते रोक भी सकते हैं। और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। पीएम ने कहा कि अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। दुनिया भर में रात्रि कर्फ्यू को स्वीकार किया गया और इससे अब हमें नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू के नाम से याद रखना होगा। इस बार लोग पहले की अपेक्षा में बहुत ज्यादा कैजुअल हो गए और इसीलिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना होगा। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं। पीएम ने कहा कि कोरोना से रोकथाम के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर फोकस जरूरी है और ये राहत की बात है कि इस बार कोरोना से लड़ने के लिए सभी उपाय हमारे पास मौजूद हैं, अब तो वैक्सीन भी है। आज जो स्थिति, आज जब हमारे पास सब संसाधन है तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। अब हमारे पास व्यवस्था इतनी हो चुकी है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हाँ, उसमें जरा सरकार को थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती है, गवर्नेंस को टाइट रखना पड़ता है। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह करते हुए कहा कि 45 साल से ऊपर के लोगों का 100% वैक्सीनेशन कराने का प्रयास करें। पीएम ने कहा कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल टीका उत्सव मना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाएं। मेरा आप सभी से आग्रह होगा कि हाई फोकस रिस्ट्रिक्शन जो है उनमें 45 साल के ऊपर 100% वैक्सीन के लिए लगातार प्रयास कीजिए। एक बार एक तो अचीव करके देखिए। मैं एक सुझाव देता हूं, क्योंकि ये कभी कभी वातावरण बदलने के लिए चीजें बहुत काम आती है। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? साथ ही पीएम ने युवाओं से भी अपील की कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें, आगे आएं, नियमों का खुद पालन करें और लोगों से भी करवाएं, साथ ही लोगों की मदद करें।
देश के युवाओं से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने आसपास के भी 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए मदद करिए। मेरी नौजवानों से विशेष अपील है, आप हेल्दी हैं, सामर्थ्यवान हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरा देश का नौजवान कोरोना के जो एसओपीज हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, डिस्टेंस मेंटेन करने वाली बात है, मास्क पहनने वाली बात है, अगर मेरा देश का नौजवान इसको लीड करेगा तो कोरोना की कोई ताकत नहीं है को मेरे नौजवान तक पहुंच जाए। पीएम ने साफ कहा कि आज की समीक्षा में कुछ बातें हमारे सामने स्पष्ट हैं और उन पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहला, देश फर्स्ट वेव के समय की पीक को क्रॉस कर चुका है और इस बार ये ग्रोथ रेट पहले से कहीं ज्यादा है। दूसरा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्य फर्स्ट वेव की पीक को क्रॉस कर चुके हैं और कुछ राज्य इस ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा, इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा लापरवाह हो गए, अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें पैदा करती हैं। पीएम ने राज्यों से कहा है कि ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अमीता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।